बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें दादाजी और पिताजी टीवी देख रहे हैं, दादी जी सब्जी काट रही हैं, माताजी चाय ला रही हैं और राघव और मीरा खेल रहे हैं। बच्चों, दादाजी, पिताजी और राघव पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं और दादी जी, माताजी और मीरा स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन आदि। अर्थात जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति के शब्दों का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग। नंबर एक पुल्लिंग, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, पिता, मामा, शेर आदि। नंबर दो स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, माता, मामी, शेरनी आदि। बच्चों, हमारा आज का विषय है लिंग। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके बारे में पढ़िए। लड़की नाचती है, लड़का नाचता है, दादी जी कहानी सुना रही हैं, दादा जी पौधों को पानी दे रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो स्त्री या पुरुष जाति से संबंधित होते हैं। इन वाक्यों में लड़की और दादी जी स्त्री जाति से संबंधित हैं और लड़का और दादाजी पुरुष जाति से संबंधित हैं। आइए अब हम कुछ और स्त्री जाति और पुरुष जाति के शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। स्त्री जाति के शब्द, लड़की, गाय, बिल्ली, नानी, मोरनी, स्त्री आदि। पुरुष जाति के शब्द, कबूतर, शेर, माली, नाना, पिता, ऊंट आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नंबर एक स्त्री जाति के शब्द, नंबर दो पुरुष जाति के शब्द। जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग और जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। इस प्रकार लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बच्चों, यहाँ कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप आमने सामने दिए गए हैं। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। नर,
नारी, मौसा मौसी, बकरा बकरी, मामा मामी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, कबूतर कबूतरी, ऊंट ऊंटनी, सेठ सेठानी, मुर्गा मुर्गी, लुहार लुहारिन, भिखारी भिखारिन, चूहा चुईया, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, बूढ़ा बुढ़िया, पुरुष स्त्री, भतीजा भतीजी। बच्चों, आप भी इन शब्दों को पढ़ें, समझें और याद करें। धन्यवाद।